जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के आंसर शीट फर्स्ट पेज के बारे में। आपको पता है कि हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं इस बार। तो दोस्तों, जब परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं तो एपीएससी यूनिवर्सिटी का जो आंसर शीट है, जो हम आंसर शीट बनाते हैं जिसमें हम अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो उस आंसर शीट में हमको एक प्रारूप लगाना होता है, एक परफॉर्मा लगाना होता है, एक फर्स्ट पेज लगाना होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट पेज कैसे मिलेगा, किस तरह से उसको भरना होगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, जब हम अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करने जाते हैं, जमा करने जाते हैं, तो उस टाइम पर हमको एक रिसिप्ट की आवश्यकता होती है, एक पावती की आवश्यकता होती है। उस पावती को कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में उसको किस तरह से भरना है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। रिसिप्ट का क्या काम होता है दोस्तों, जब हम अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करने जाते हैं तो दोस्तों वो प्रूफ के तौर पर काम करती है। और दोस्तों, जब इस रिसिप्ट को हमको डाउनलोड कर ले जाना होता है, कॉलेज से नहीं मिलते, हमको खुद ले जाना होता है और वहाँ पर इसकी सील लगाकर हमको रिटर्न कर दी जाती है कॉलेज से। तो चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आंसर शीट का फर्स्ट पेज डाउनलोड कर लिया। ये आंसर शीट का फर्स्ट पेज होता है। साथ ही मैं आपको पावती भी बता देता हूँ। ये दोस्तों हमारी पावती होती है, रिसिप्ट होती है, इसको हमको डाउनलोड करके ले जाना होता है कॉलेज में, और दोस्तों कॉलेज की सील लगाने के बाद में हमको रिटर्न कर दी जाती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आंसर शीट का फर्स्ट पेज देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में डाउनलोड का पूरा प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हमको फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश ओपन बुक पद्धति के अंतर्गत 2021 उत्तर पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप। तो दोस्तों, अब इसको हमको किस तरह से बनना है वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको डालना है महाविद्यालय का नाम, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में कक्षा डालनी है, बी कॉम फर्स्ट ईयर, बी एस सी फर्स्ट ईयर, जो भी आपका है वो यहाँ पर डाल देना। साथ ही छात्र का स्टेटस, अगर आप नियमित यानी कि रेगुलर है तो यहाँ पर नियमित लिखना है, अगर आप प्राइवेट हैं तो स्वाधायी लिख देना है। अब विषय में क्या लिखना है, आप किस सब्जेक्ट की आंसर शीट बना रहे हैं, मैथ की है, फिजिक्स की है, फाउंडेशन कोर्स की है, जिसकी भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों, आपको प्रश्न पत्र संबंधित खंड को टिक करें, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो आए या बाए या साए। अब दोस्तों, आपको कहाँ से पता चलेगा कि हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। तो दोस्तों, जब हम अपना एग्जाम पेपर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों एग्जाम पेपर में सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लिखा गया होगा या सब्जेक्ट के जस्ट बगल में लिखा गया होगा आ बा सा। तो जो भी आपका है वो यहाँ पर इस पर चेक मार्क कर देना। इसके बाद में प्रश्न पत्र शीर्षक, तो प्रश्न पत्र शीर्षक भी आपको अपने एग्जाम पेपर में मिलेगा। एग्जाम पेपर में ही प्रश्न सब्जेक्ट के बक्स जस्ट नीचे प्रश्न पत्र शीर्षक लिखा गया होगा, और प्रश्न पत्र कोड भी दोस्तों आपको अपने प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। वहाँ पर भी इसका कोड के बारे में उसी जो सब्जेक्ट है उसी के जस्ट बगल में लिखा गया होगा। तो प्रश्न पत्र कोड, प्रश्न पत्र शीर्षक, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है अनुक्रमांक अंकों में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अंकों में डालना है और इसी के जस्ट नीचे आपको शब्दों में लिख देना है, एक दो तीन, इसी इस तरह से आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है, और अंकों में एक दो तीन इस तरह से आपको डालना है। और यहाँ पर दोस्तों एनरोलमेंट नंबर का भी सेम प्रोसेस है, तो एनरोलमेंट नंबर भी सबसे पहले आपको अंकों में डालना है, फिर इसके बाद में शब्दों में डाल देना। इसके बाद प्रश्न पत्र का देना है, किस तारीख को आपके कोर्सेज पेपर अपलोड किए गए थे वेबसाइट पर, यानी कि आपके एग्जाम किस तारीख को स्टार्ट किए गए थे उस तारीख को यहाँ पर डालना है। उत्तर पुस्तक जमा करने की दिनांक में आपको क्या डालना है, किस तारीख को आप अपनी उत्तर पुस्तक अपने कॉलेज में जमा करने गए हो उस उत्तर पुस्तक उस तारीख को यहाँ पर डालना है। इसके बाद में दोस्तों, केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तक की कुल पृष्ठों की संख्या, यानी कि आपने जो आंसर शीट बनाई है उसमें कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है, और दोस्तों 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि आपको यहाँ पर कितना फिल कर देना है, यहाँ पर आपको 16 फिल कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर दोस्तों परीक्षार्थी के अच्छताचर में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, जो भी आप सिग्नेचर करते हो यहाँ पर इस जगह पर कर देना है, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, और आपका पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, फर्स्ट पेज को इसी तरह से फिल करना है, और आप दोस्तों इसका प्रिंटआउट कितने निकालें, जितनी भी आपकी आंसर शीट 8, 9, 10 जितनी भी आपकी आंसर शीट बनेंगी उतने आपको यहाँ पर प्रिंटआउट निकाल लेना है। ओके, अब दोस्तों पावती के बारे में बात करें, तो पावती के कितने प्रिंटआउट निकालना है, पावती का केवल एक ही प्रिंटआउट निकालना है, क्योंकि केवल जब हम अपनी आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करने जाएंगे तभी हमको जो कि कॉलेज में देनी होगी। और देखिए दोस्तों, इसको पार्ट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट तो हमारे पास में रह जाएगा और एक पार्ट कॉलेज में रख लिया जाएगा, यानी कि एक हमको रिटर्न कर दिया जाएगा, एक कॉलेज में रख लिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर कॉलेज की सील वगैरह साइन वगैरह सब कुछ कर दिए जाएंगे, ये हमारे प्रूफ के तौर पर हमारे पास में रहेगा कि हमने एक कॉपी सबमिट कर दी है कॉलेज में, तो ये प्रूफ के तौर पर काम करेगा दोस्तों।
अब दोस्तों इसको किस तरह से फिल करना है, यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं प्रमाणित किया जाता है छात्र, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, और यहाँ पर आपने आंसर शीट कितनी बनाई है, 10-15 जितने भी आपके सब्जेक्ट 6-7-8 जो भी है वो यहाँ पर डालना है, किस तारीख को आप जमा करने गए वो यहाँ पर डालना है, और किस कॉलेज में आपने सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। सेम इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर फिल कर देना है, बस ये चीज़ आपको फिल करनी है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, प्राप्ति और फर्स्ट पेज के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको कोई भी डाउट कमेंट करें, अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद हम आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, दोस्तों APSU यूनिवर्सिटी आंसर शीट फर्स्ट पेज एंड रिसिप्ट। तो इसको हमको डाउनलोड करना है, 261 KB का ये डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर गेटेड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस गेटेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसमें नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों क्लेम फॉर फ्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, उस फाइल को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड होने के बाद में आपके सामने PDF पूरी आ जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट हो इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप तक के लिए बाय।